अगला बंदा ना इंट्रो में तीन बोटियां खा गया है। इन लोगों को मैंने जमा किया हुआ है हर तरह का, वो छोटा बड़ा उम्र से बड़ा लंगड़ा माजूर और ये तो वो बाल नहीं है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीनों हजरात, जैसे कि आप देख रहे हैं पी फॉर पकाओ की पूरी टीम मौजूद है। और ये शख्स कौन है बीच में? मैं भाई यहाँ वेले का काम करता हूँ, वेले का सारा मैं देखता हूँ। वेले पे बजाए ना फिर तुम ज्यादा वेले ना बनो। ठीक है। और ये देखो ये एला वेला। एला मौजूद खवातीनों हजरात, आपको मैंने बताया था कि नैप प्रोडक्शन जो नादिर अली प्रोडक्शन है उसके अम्ब्रेला तले बहुत सारे ब्रांड्स आने लगे हैं। तो इंशाल्लाह एक ब्रांड हमने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है द बिल्ला शो। और ये द बिल्ला शो अयास समूह की क्रिएटिविटी है जो कि लेट 2010-2009 में स्टार्ट हुआ था। 1947 ठीक हो जाएगा। अयाज भाई ये बताएं कि ये बिल्ला सारे बिल्ला खाने हैं? कोई खाने नहीं है, खुद बिल्ला पहले से भी कोई बिल्ला है? बोला बिल्ला नहीं है। बिल्ला शो, द बिल्ला शो की एपिसोड लॉन्च हो गई है, जाके आप सबसे पहले जाके देखें। बिल्कुल। और अयाज भाई का ये कंटेंट को आपने ऊपर ले जाना है। हाँ। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, रेकमेंड करना है, शेयर करना है। द बिल्ला शो के हवाले से बातें भी करेंगे। हाँ। अयाज भाई से भी बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। और आज खाना क्या खिला रहे हैं? रिजवान की तरफ से ट्रीट है। रिजवान क्या है? एलानिया बस। खिला क्या रहे हो ये बताओ, इधर आओ। सरप्राइज है ना? हा? तो सरप्राइज बताते थोड़ी। ये इसने अंदर आमलेट पकाया, मैं बता रहा हूँ जो कर रहा है ना। अंदर बहुत अच्छा इंतजाम है, आप फिक्र नहीं करें, आपको अच्छे तरीके से खिलाएंगे। मुझे पता है इतना सा तो खाते हो आप। यार मेरी मेरे को खुराक कम है। खुराक कम आज खाएगा आपका भाई? आपको बाजरा खिलाएगा। आजा आजा इधर इंतजाम। इंतजाम हुआ है और सुना है कि बहुत फ्रेश फूड है यहाँ पे। बिल्कुल, ये ताजा मोर की कढ़ाई भी मिलती है यहाँ पे। मोर की कढ़ाई नहीं है और बहुत सारी कढ़ाई। आप ये देखिए ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है? लाइन से फूड चैलेंज है, लग रहा है भूखों का मुकाबला है आज। सर 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 चले, ये कौन है? राजेश खन्ना का बेलोई। आ जाए आ जाए आ जाए। अंधेरे में चश्मा चश्मा लगाया हुआ आपने। तुम दोपहर 2 बजे लेके निकलो मुझे। बोलना मत अभी, आते आते रात हो गई। कितनी जगह रुके हम बताना? कितनी जगह रुके हम? देखिए आपको मैंने सबसे पहले तो वहाँ पे वो कौन सी जगह आती है, नूरियाबाद चाय पिलाई। हाँ है। और आपको जरूरी काम भी था वहाँ, रफा हाजत। नहीं मुझे कौन सा था? भाई आप यहाँ लाए हैं इतनी दूर, 180 किलोमीटर दूर कराची से आ गए हैं, यहाँ की खास डिश कौन सी है आपको बताओगे? देखे आजकल आप ये बड़े फूड एक्सपर्ट बन गए भाई। अच्छा एक और चीज, मैं कराची से बाहर निकलने वाला बंदा नहीं हूँ, बहुत कम काम के घर से निकल जाऊंगा। ये वो आदमी है कहता है आप अभी खाना खाते हैं, और खाना खाने का हमेशा कराची से बाहर। तो अब इसने मुझे आदत डाल दी कि अब खाना अगर ये नादिर खाने का कह रहा है। हाँ। तो कराची से बाहर ही। लॉन्ग ड्राइव असल में मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। और मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो ड्राइवर होता, और ये कराची टू रहीम यार हाईएस वगैरह चला रहा होता तो देखो मतलब मेरी जान कहीं नहीं छोड़नी है तुमने। ये बाय द वे बुड्ढे को आप देख रहे हैं, ये बुड्ढा हाथ दिखाओ, ये बुड्ढे को काफी 1-2 महीने से प्रैंक्स में नहीं आ रहा होगा, बुड्ढे का फ्रैक्चर हुआ है। चोरी करते हुए पकड़ा गया है? चोरी करते हुए पकड़ा गया? नहीं नहीं चोरी नहीं यार, गलत। ये चांद रात को तारिक रोड पे ना खवातीन में घुस गया था और फिर ये हुआ है। नहीं गलत नहीं करो यार, ये बात ये है कि ये बुड्ढा जो है ना, ये कुत्ता इसकी बाइक के आगे आया था और ये अड़के गिरा है। अरे भाई कहाँ गया? और दोनों कुत्ते और ये दोनों यूं उड़ते हुए जा रहे हैं, और लोगों ने ना कंफ्यूजन में कुत्ते को अस्पताल पहुंचा दिया। जाफर का आया था वो तो शूट पे था उसे। फिर बदतमीज। देखो जाफर के साथ नहीं करो, उसकी उम्र पता है। सॉरी मेरी दादा की उम्र है। मेरी दादा की उम्र। तुम भी कोई कम नहीं हो, समझ रहे बात को? भाई साहब को लाइव देखा, भुट्टो साहब को लाइव देखा यार।
क्या है, क्या खाना है, क्या अच्छा, खाने से पहले मुझे अयाज भाई ये बताएं जी, द बिल्ला शो का जो आइडिया है जब आप पहले करते थे वो कहाँ से आया, उसकी इंस्पिरेशन क्या है और जिस एनर्जी से करते थे उसके पीछे क्या राज है, और ये जाहिर विग लगा के और थोड़ा सा जो डार्क है ये बताएं। अच्छा बाय द वे मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ, ये रेसिज्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं, और ये किसी को हम निशाना नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं, मजाक करना और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है, ये एक जस्ट फॉर ह्यूमर है, लोगों के साथ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। अच्छा ये बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछता है। हाँ जी देखो इसके पीछे ना एक थॉट थी, थॉट ये थी कि जिन दिनों ये शो मैंने स्टार्ट किया था 2009 में, उन दिनों ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा बचपन पूरा लियारी में गुजरा है, मेरे बहुत सारे दोस्त ये ज़बान बोलते हैं, ये एक्सेंट बोलते हैं, उनके साथ मैं ये ज़बान बोलता था, हुआ ये कि इतना नेगेटिव कर दिया गया था उन चीज़ों को कि वो जब भी लियारी का नाम आता था ना तो या तो गैंगस्टर्स या मंशात फरोश, बड़ा नेगेटिव पोर्ट्री किया जाता था। तो जब मुझे टीवी पे मौका मिला था मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को पॉजिटिव वे में पोर्ट्री किया जाएगी, इन लोगों को भी लोग ये भी मजाक करते हैं, ये भी इंसान है यार, ये इनका भी दिल है, जीते हैं, बिल्कुल ऐसी बात। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत मैं ये, क्योंकि आज तक अगर देखा जाए तो टीवी पे इस तरह के कैरेक्टर्स 2 से 3 बार ही हुए, एक इस्माइल तारा साहब ने किया था लियारी किंग लाइव वो, और उसके बाद एक दो जगह पे मोइन भाई ने या अयाज खान साहब ने किया था। मैं इस शो को ख़ास तौर पर लाया ही इसलिए था कि वो जो नेगेटिव इमेज बना हुआ है हमारे लियारी के भाइयों का वो हटे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6-7 साल मैंने ये शो किया और वर्ल्ड वाइड लोगों ने पूछा, ये अच्छा काफ़ी लोगों को क्योंकि वो कराची के नहीं, उनको नहीं पता एक्सेंट कौन सा ही है, तो काफ़ी लोग पूछते थे यार ये कौन से लोग होते हैं, हालांकि इंडिया में उन दिनों में शो करते थे, इंडिया वाले पूछते थे यार ये कौन सा एक्सेंट है, तो उनको मैंने बताया हमारे यहाँ लियारी में लोग होते हैं, वो इस तरह बोलते थे यार बहुत मज़े के लोगों का, मैंने कहा पाएँ आपको पता चल जाएगा बहुत मज़े के लोग। तो ये यही थॉट थी और थॉट को लेके अच्छी थॉट है और इस लेगेसी को कंटिन्यू किया है, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो नहीं पता कि द बिल्ला शो क्या है, वो इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन्स पे आप लोग यकीनन देखेंगे और फीडबैक देते रहें। और हमने आई गेस वक्त से पहले वो शो कर दिया था, अब सही टाइम है उस चीज़ का, उस शो का टाइम अब है। हाँ। रात को कितने बजे आएगा, रात के 3 बजे आएगा 26 नंबर चैनल पे, 26 नंबर चैनल पे आएगा, वॉल्यूम बंद करके देखना आपने, ठीक है, आपको भी मोबाइल में दिखाते हैं। अभी कोको मेलन लगा देता हूँ आपको मैं, एक मिनट को कोको मेलन लगा देता हूँ, बेबी शार्क, एक सेकंड, बेबी जब डुबो डुबो डुबो। अच्छा वो खैर वो एक अलग चीज़ है। अच्छा आप भजन मेरी बात सुना, जी जी बोलो, वो ट्रेल बाइक कैसे स्टार्ट होती है वो जरा करके दिखा दे। हाँ और वो पंच लाइन खराब भी हो गई है ना, खराब हो गई भाई, बात कर। तो ये छोटे छोटे असल में लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको बताऊं, ये पागल खाने से आए हुए इन लोगों को मैंने जमा किया हुआ है, हर तरह का, वो छोटा बड़ा उम्र से बड़ा लंगड़ा माजूर और ये, तो वो बाल नहीं है यार, अगले ने 2 लाख का खर्चा किया यार, अच्छा किया है, तो ये सारे लोगों को जमा करके एक पागलों की टीम बनाई है। हाँ। तो यही कोशिश की है कि इनका घर चल जाए, रोटी रोजी चल जाए, और इन पागलों ने आपको हंसाने की कोशिश की है, हैं असल में ये पागल, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, नहीं नहीं हम पागल ही है वाकई, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल इंसान दो का जितना होता ही नहीं है, घर चल जाए, आप क्या घास खाते हो यार, वो वाकिया है यार भाई को आप बताने लगे थे, वो जो कल जौहर में वाकिया यार, सीरियस वाकिया है वो, पता है वो सीरियस वाकिया है, बिल्कुल 13-14 साल की एज होती है बच्चे की यार, कड़ियल जवान वो आया है घर पे बाहर से, तो माँ ने बोला बेटा खाना खा लो, कहना नहीं अजीब सा सीने में दर्द सा हो रहा है, तो वो मैं थोड़ा सा सोऊंगा, सोने लेटा है तो गेट पे दोस्त आया, अब उसके साथ बाहर जा रहा था, अम्मा ने कहा अभी तो तेरे दर्द हो रहा था तू खाना भी नहीं खा रहा, तो जबरदस्ती उसको खाना खिलाया, खाना खा के तुम दोस्त के साथ जाओ, चला गया वो बेचारा, घर से निकला है 2 घंटे बाद वापस आया, आके माँ ने बोला चाय देती हूँ, कहना नहीं मैं सो रहा हूँ, जो सोया है वो सुबह उठा है ऑफिस गया है वापस फिर शाम में आया, नॉर्मल जिंदगी मरा कभी, ये बता मरा नहीं है नॉर्मल जिंदगी, मैंने पहले कहा था कि इनका 1.5 साल का कोर्स नहीं, इनका 2 साल का कोर्स, तेरी जब से पैदाइश हुई है और जब तक तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है उस दिन तक लानत बात समझ रहे बात का, और ये एक मौजूद ख़वातीन और हज़रात ये एक समझ लें कि एक सेलिब्रेशन है, एक द बिल्ला शो की हमारा प्रोडक्ट है और इसे प्रोड्यूस किया है और अयाज भाई के साथ हमें काम करने का मौका मिला है, तो आप लोग इस चीज़ को
ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करें, प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं। 10 साल पुरानी दोस्ती और काम हम पहली बार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिरी बार ना हो। ये इंशाल्लाह ये लेगेसी आगे कंटिन्यू रहे और बहुत कुछ हम आप लोग देखें, ये सब चीज़ें आप लोगों के बदौलत हो सकती हैं। आप लोग फीडबैक दें, सब कुछ करें और फीडबैक देना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं देना पड़ेगा यार, हम कह रहे हैं आपको देना है यार, देना है। तूने क्यों मोबाइल? अच्छा अयाज भाई आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ यार, वो अयाज भाई को वो बल्ब वाला आइटम दिखा दो, 0 वाट का बल्ब, 0 वाट का फेस से 0 वाट का बल्ब मिलेगा, बटन आप जरा जी जी करेंगे तो समझ जाओ, जी जी टिक 500 वाट का टिक, अब ट्यूबलाइट जलेगी टिक। अब आप देखें अमीर का पंखा टिक, अब गरीब का पंखा टिक। क्यों? ये 4 साल का कोर्स है इसका। है खाने का इंतजार, खाना क्या है भाई, खाना क्या खाएंगे जो अच्छा हो यहाँ का? अंडा घोटाला मंगा लूं? ये तो ये मंगवा था, तू 170 किलोमीटर मुझे अंडा घोटाला खिलाने लाया है, तो आप बताए ना मुझे यार, आप बताए आज की दाल भाई कटाकट होना चाहिए, कटाकट होना चाहिए, फिश होनी चाहिए, मटन का कुछ होना चाहिए, मटन का कुछ। चले आप खा के आ जाए, ऐसे फटाफट खा के, फटाफट खा के। देखो 170 किलोमीटर दूर आके मुझे गालियां देने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो खाना मंगवा लो, खाना मंगवा लो। बताया नहीं अयाज भाई को, बताया नहीं प्रैंक किया है, खाना थोड़ी खाना है, कितनी देर प्रैंक करोगे यार मेरे साथ? ये खाना आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे, ये सारी चीजें आपको खिलाएंगे जो आपने जिक्र किया। अयाज भाई को बताता यार, क्या एक सीन हुआ है वहाँ बैंक से, बेचारा मतलब बंदा जो है, आप देखें गार्ड वार्ड सब खड़े हालात में, आपको बता रहा हूँ सीरियस सीन है। हाँ बिल्कुल सीरियस सीन है, इसमें कोई मजाक नहीं है। गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, बंदा अंदर गया है, 5 लाख रुपए लेके आराम से चला गया और मैनेजर खुद मिला हुआ है उसको, बता के चाय पिला रहा है। इशू क्यों नहीं बना? क्योंकि वो अपने अकाउंट से निकाल के रख दिया 5 लाख, ये तो उसका हक बनता है ना यार, अपने अकाउंट से तो निकाल सकता है ना। अरे यार भाई वो मिर्च वाला बेला ना आपके पास? मेरा खाना खाना आ गया है, खाना आ गया है, आ जाओ भाई आ जाओ। अच्छा ये आपका ब्रेन मसाला आ गया, ये दरिया की फ्राइड फिश है, ये लाहौरी कढ़ाई, ये मंदी प्लेटर है जिसमें बीफ मटन चिकन फिश सब है, सही है। ये एक और कढ़ाई आ गई, एक और फिश और फिर वो कटाकट उन दो गरम लोगों के लिए। एक्चुअली ये सारे खाने का मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को बताया ही गया है कि दावत नादिर की तरह से, लेकिन दावत मैंने की है, मैंने सबके लिए खाना मंगवाया है, ठीक है। अगला बंदा ना इंट्रो में 3 बोटियां खा गया है, आपने मंगवाया जी, तो बस आप इजाजत दें फिर हम तो खाएं। बिस्मिल्लाह मुजाहिदो टूट पड़ो, इजाजत नहीं आप छू 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 छू। बात ये है कि ये सारी खुशियां ये सारी बाहर हैं आप लोगों की वजह से, बेशक कि आप लोग इतना देखते हैं, सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आर्टिस्ट की असल दौलत अप्रिसिएशन है जो आप लोग करते हैं। अप्रिसिएशन होगी तो बेटा एक दिन होगी तुम्हारी भी अप्रिसिएशन इंशाल्लाह, पैसों का ताल्लुक उससे है जाहिर है, अप्रिसिएशन और बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, उसमें पैसा सीख जाएगा, सीख जाएगा नया लड़का सीख जाएगा। तो खैर ये खाना आ गया है, अब हम खाना नोश फरमाते हैं क्योंकि खाने को वेट कराना नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आप लोग देखें मौजूदा हजरात आप लोगों का भी बदले का मैं खा लूँगा। ओके जी अब पहले मैं तो कटाकट टेस्ट कर रहा हूं, ये ब्रेन मसाला कटाकट है, कटाकट है, कटाकट सही है। ओके चपाती कहां है? चपाती आ रही है कराची से, कराची से नहीं यहीं में हूं मैं, ये रही सांप के डब्बे में, सांप के डब्बे में से चपाती निकाल ले लो और एक निवाला मैं खुद अयाज भाई को अपने हाथों से खिलाना चाह रहा हूं। सर ये हमारा क्या प्लीज, बड़ा बनाओ छोटा है, एक मिनट भजन, एक मिनट, डायनासोर नहीं हूं मैं इंसान हूं, वेरी गुड, कोई बात नहीं अल्लाह देख रहे हैं, बहुत लजीज बहुत लजीज बहुत लजीज, बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं सही मिला तुम्हें ना नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। जब भी आप लोगों का हैदराबाद से बाईपास का सफर हो टूवर्ड्स नवाबशाह, मताम शनवारी पे जरूर आइएगा, ट्राई करिएगा, खाना वाकई बहुत अच्छा है सर।
गुड एंड करें, बिल्कुल एंड करें सर। बिला शो आ चुका है पहला एपिसोड, फॉलो करें, दोस्तों से शेयर करें, बहुत मजे मजे की चीजें आने वाली हैं। और आई होप अगर कुछ सजेशंस हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं शो में या जिस तरह का शो आप जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आके बता भी सकते हैं। बोलते रहना, बोलते रहना, मतलब नहीं बोलूं, मैं खाना खाऊंगा बस। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ये जाजूज बाजूज बैठे हुए ना, खाना नहीं खा रहे। सब्सक्राइब करें, द बिला शो सब्सक्राइब करें।